कोलकाता कांड को लेकर मामला गर्म है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। न्याय की आस में डॉक्टर्स सड़कों पर है। वहीं ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या की जांच कर रही सीबीआई के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई ने अपराध स्थल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल की जाँच के दौरान पाया कि हाल के दरवाजे में लगे बोल्ट टूटे हुए थे और दरवाजा बंद नहीं हो सकता था। इसके बाद भी अपराध के दौरान पीड़िता की आवाज बाहर क्यों नहीं आई? सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि घटना के वक्त गेट के बाहर किसी को खड़ा किया गया था। यह शख्स कौन था, उसकी तलाश के लिए सीबीआई मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीबीआई एक अधिकारी ने बताया है कि डॉक्टर इंटर्न और मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने पूछताछ में यह बताया है कि सेमिनार हॉल के दरवाजे का बोल्ट काफी समय से टूटा हुआ था। यह दरवाजा बंद नहीं होता था। पीड़िता ने 9 अगस्त को सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच हॉल में गई। बोल्ट खराब होने के चलते उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने उसे सोते हुए भी देखा था। अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई जांच कर रही है कि जब दरवाजा बंद नहीं हो सकता था तो अपराध के दौरान पीड़िता के चीखने या चिल्लाने की आवाज बाहर क्यों नहीं आई। किसी को गेट के बाहर गार्ड के तौर पर खड़ा किया गया था। सीबीआई ने इन बिंदुओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 9 अगस्त को सभागार में ट्रेनी डॉक्टर का शव पाया गया था, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के संबंध में अगले ही दिन एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी थी और इसके अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली थी। मामले में लगातार 8 दिन से सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वहीं ये भी बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी संजय राय को आज अदालत में भी पेश किया गया। इस दौरान अदालत में जमकर हंगामा हुआ क्योंकि वकील संजय राय का विरोध कर रहे थे। वकीलों में आरोपी के खिलाफ भारी गुस्सा था। कोलकाता मामले में आरोपी संजय राय की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज आरोपी संजय राय को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी की रिमांड सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने सीबीआई को संजय राय की 14 दिन की रिमांड दी है। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारी अख्तर अली के आरोपों की भी जाँच करेगी। अख्तर अली ने संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगाए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।